नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, लवारिस फिल्म रिलीज हुई थी 22 मई 1981 को, यानी कि लवारिस मूवी को रिलीज हुए 43 साल हो गए हैं। तो चलिए आज लवारिस फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, पुराने ज़माने के दिग्गज अभिनेता DK सप्रू की बेटी प्रीति सप्रू ने लवारिस फिल्म में चंचल का किरदार निभाया था। फिल्म रिलीज होने के बाद प्रीति सप्रू डायरेक्टर प्रकाश मेहरा से बहुत नाराज़ हुई, क्योंकि प्रकाश मेहरा ने उनका रोल बहुत ज़्यादा काट दिया था। उन्होंने कई सीन शूट किए थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उनके अधिकतर सीन्स काट दिए गए थे। प्रीति सप्रू को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कुछ इंटरव्यू में प्रकाश मेहरा की आलोचना की थी। एक्टर सुरेश ओबराय ने लवारिस में राम सिंह का करेक्टर निभाया है। जिस वक्त फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस वक्त कई लोगों ने प्रकाश मेहरा को सलाह दी कि उन्हें सुरेश ओबराय का रोल काफ़ी छोटा कर देना चाहिए, उनका रोल फिल्म में कुछ खास नहीं है। यहाँ तक कि खुद सुरेश ओबराय को भी लगता था कि उनका रोल उतना मजबूत नहीं है जितना कि होना चाहिए था। सुरेश ओबराय मानते थे कि अगर उनका रोल एडिट हो भी जाए तो कोई फ़र्क उन पर नहीं पड़ता, लेकिन प्रकाश मेहरा को ये रोल बहुत खास लग रहा था, इसलिए उन्होंने सुरेश ओबराय का रोल ना तो एडिट किया और ना ही हटाया। एक्ट्रेस प्रीति सप्रू और सुरेश ओबराय लवारिस फिल्म में भाई बहन के रोल में दिखाई दिए थे, लेकिन लवारिस के लगभग 9 साल बाद यानी 1990 में आई फिल्म आज का अर्जुन में प्रीति सप्रू और सुरेश ओबराय ने पति पत्नी का किरदार निभाया था, और इत्तेफाक से उस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन ही मुख्य हीरो थे। लवारिस फिल्म का सबसे मशहूर गीत है मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है। ये गीत अमिताभ बच्चन ने रिकॉर्ड किया है और अलका याग्निक ने भी रिकॉर्ड किया है। जिस वक्त अलका याग्निक ने यह गीत रिकॉर्ड किया था, वो फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी। इस गीत से पहले अलका याग्निक ने 3-4 गीत रिकॉर्ड किए थे। मेरे आंगन में अलका जी के करियर का पहला गीत है जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड से नॉमिनेशन मिला था। एक्ट्रेस पद्मिनी कपिला ने लवारिस फिल्म में रंजीत की गर्लफ्रेंड का रोल निभाया है। उन दिनों प्रकाश मेहरा और पद्मिनी कपिला के अफेयर की खबरें खूब आती थी। कहा जाता है कि प्रकाश मेहरा ने अपने असिस्टेंट के जरिए पद्मिनी कपिला के पास 2 रोल का ऑफर भिजवाया। पहला था वो रोल जिसे प्रीति सप्रू ने निभाया था और दूसरा रंजीत की गर्लफ्रेंड का रोल। पद्मिनी कपिला ने रंजीत की गर्लफ्रेंड का रोल चुना, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो पद्मिनी कपिला को एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि प्रीति सप्रू वाला रोल ज़्यादा असरदार था। पद्मिनी कपिला ने इसके लिए प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट को जिम्मेदार ठहराया। पद्मिनी ने कहा कि प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट ने उन्हें दोनों तरह के रोल इस तरह सुनाए कि उन्हें रंजीत की गर्लफ्रेंड का रोल ज़्यादा अच्छा लगा। उन्हें नहीं पता था कि ये रोल प्रीति सप्रू के रोल के सामने कुछ भी नहीं है। लवारिस इकलौती फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और पद्मिनी कपिला ने स्क्रीन पर एक ही फ्रेम में साथ दिखाई दिए, और लवारिस के बाद पद्मिनी कपिला ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शान में भी काम किया था, लेकिन शान में इन दोनों का साथ में कोई भी दृश्य नहीं था। लवारिस 1981 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। कमाई के मामले में लवारिस उस साल 4थे नंबर पर रही थी। पहले नंबर पर थी मनोज कुमार की क्रांति, दूसरे नंबर पर थी अमिताभ बच्चन की नसीब, तीसरे नंबर पर थी जितेंद्र की मेरी आवाज़ सुनो, और उस साल अमिताभ बच्चन की कालिया और याराणा ये 8वें और 9वें नंबर पर रही थी। वैसे कुछ लिस्टों में यह भी दावा किया जाता है कि लवारिस 1981 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। लवारिस का एक और लोकप्रिय गीत था अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। इस गीत में एक लाइन है, आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद हो। लवारिस के कुछ साल बाद प्रकाश मेहरा ने एक फिल्म अनाउंस की थी जिसका नाम था इंसान की औलाद। उस फिल्म में संजीव कुमार और मनोज कुमार के पुत्र कुणाल गोस्वामी मुख्य किरदार निभाने वाले थे, लेकिन वो फिल्म कभी नहीं बन पाई। लवारिस का गीत मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है कितना लोकप्रिय हुआ था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फिल्म कालिया के जिस सीन में अमिताभ बच्चन प्रवीण बॉबी को साड़ी पहनना सिखाते हैं, उसमें बैकग्राउंड में मेरे आंगन में गीत की धुन सुनाई देती है। अमजद खान और अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में पिता पुत्र का किरदार निभाया है। उनकी उम्र जबकि सिर्फ 2 साल का अंतर है। लवारिस दूसरी ऐसी फिल्म है जिसमें अमजद खान ने ऐसा करेक्टर प्ले किया है जो अमिताभ की माँ को छोड़ देता है। इससे पहले उन्होंने 1979 में आई फिल्म सुहाग में भी अमजद खान का किरदार अमिताभ बच्चन की माँ को छोड़ देता है। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन की माँ का रोल निरूपा राय ने निभाया था। लवारिस पहली फिल्म थी जिसमें राखी जी ने अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार निभाया। हालांकि इस फिल्म में इन दोनों का कोई दृश्य साथ में नहीं है,
लवारिस के बाद शक्ति फिल्म में राखी जी ने आगे तो फिर से अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार निभाया था। शक्ति में इनके काफ़ी सीन साथ में हैं। शक्ति में राखी जी ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम किया था ताकि वो दिलीप कुमार के अपोजिट काम कर सके। साल 2001 में आई फिल्म एक रिश्ता में एक दफ़ा फिर से बच्चन साहब और राखी जी पति पत्नी के किरदार में दिखे थे। एक्ट्रेस पद्मिनी कपिला का कहना था कि प्रकाश मेहरा और उनके बीच नज़दीकियाँ लावारिस फिल्म की शूटिंग के दौरान बड़ी थी। हालांकि प्रकाश मेहरा से उनकी पहली मुलाकात हुई थी फिल्म आखिरी डाकू की शूटिंग के दौरान। उस वक्त वो प्रकाश मेहरा को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। उन्हें प्रकाश मेहरा का अड़ियल स्वभाव पसंद नहीं था, लेकिन लावारिस के दौरान प्रकाश मेहरा से उनकी काफ़ी बातें हुई और प्रकाश मेहरा को वो पसंद करने लगी। प्रकाश मेहरा ने तभी उन्हें बताया था कि फिल्म आखिरी डाकू के दौरान ही वो पद्मिनी कपिला को पसंद करने लगे थे। लावारिस का संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और इसका म्यूजिक काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। अमिताभ बच्चन के सभी गीत किशोर कुमार ने गाए थे सिवाय मेरे अंगने को छोड़कर। वो गीत अमिताभ बच्चन ने खुद रिकॉर्ड किया था। लवारिस की म्यूजिक एल्बम का एलपी रिकॉर्ड खूब सेल हुआ था, जबकि इसके डायलॉग का एलपी रिकॉर्ड अलग से रिलीज किया गया था और वो भी खूब बिका था। प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के बीच के कंपटीशन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री अच्छी तरह से वाकिफ थी। इन दो बड़े डायरेक्टर्स के बीच अमिताभ बच्चन मुख्य कड़ी थे और दोनों ही डायरेक्टर्स के पसंदीदा अमिताभ बच्चन हुआ करते थे। लवारिस के रिलीज के बाद मनमोहन देसाई ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर बचपन में बिछड़ने और बाद में मिलने वाला फार्मूला ख़राब है तो प्रकाश मेहरा ने लवारिस में से क्यों इस्तेमाल किया। दरअसल मनमोहन देसाई की फिल्मों की प्रकाश मेहरा खूब आलोचना करते थे और मनमोहन देसाई हमेशा उसी फार्मूले पर ही अधिकतर फिल्में बनाते थे। तो दोस्तों, ये थी फिल्म लवारिस के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।